सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दिस वीडियो कैसे हो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आखिर में एल एल वी एल एल एम एंड एम कॉम की कटआफ़ कब तक आएगी तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इससे पहले वाली अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो सभी के सभी वीडियोज़ जाकर देख लो वैसे ये तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली है जितनी इसके पहले वाली वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने आप काउंसलिंग कैसे करोगे ये बताया है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे ये बताया है एंड साथ साथ आप लोगों के साथ एंटी रैगिंग फॉर्म अंडरटेकिंग फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड अंडरटेकिंग फॉर गैप सर्टिफिकेट ये आप सभी के लिए शेयर किया है ठीक है तो टेलीग्राम पर आप सभी के बहुत सारे मैसेज आते हैं कि एल का कट ऑफ कब तक आएगा मैंने कई बार बता रखा है कि एल का कट ऑफ भाई आप लोगों को मतलब आज तो एक तारीख हो गया तो आज शाम तक हो सकता है आप सभी का कट ऑफ आ ही जाए एंड अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों के कितने कट ऑफ़ जाने वाले हैं इसके पहले हालांकि मैंने बताया है आप लोगों के कितने नंबर तक कट ऑफ हो सकती है एल की तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट मैसेज करते हैं जिनका एक नंबर है एक नंबर है कि आखिर कट ऑफ कब तक आएगा या फिर मेरा मेन कैंपस में, में होगा या फिर नहीं होगा तो चलिए देख लेते हैं तो देखो अभी तक अगर हम बात करें अभी सुबह यहाँ पर लगभग लग सात साढ़े सात बज रही हैं तो अभी तक तो आप सभी के कट से नहीं आए हैं फॉर एलएलबी ना ही एल एल एम एंड ना ही एम कॉम की एंड कुछ कोर्स के आप सभी के कट ऑफ सेकेंड कट ऑफ भी आ गए मैंने बता दिया है अपने टेलीग्राम पर एंड एक और चीज ये वीडियो तो मात्र केवल ये इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग कट ऑफ कब तक आएगी या फिर नहीं आएगी एंड इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिटेल्स नहीं है बट इसके बाद जो एक नेक्स्ट वीडियो मैं लाने वाला हूँ उसमें मैं बताने वाला हूँ हॉस्टल के बारे में तो वो हॉस्टल के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी कि, कि कितने हॉस्टल हैं कितने बॉयज़ हॉस्टल हैं कितने गर्ल्स हॉस्टल हैं एंड साथ हॉस्टल की कट ऑफ कितनी जाती है प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है किस कोर्स की एंड हॉस्टल की फीस कितनी है हॉस्टल में रिजर्वेशन कितना है किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन मिलता है तो ये सब मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में तो सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी सभी को देखना है आपको फुल डिटेल पता चलेगा कि आखिर में आपको हॉस्टल कब मिलेगा अभी मतलब एडमिशन के साथ ही मिलेगा या फिर बाद में मिलेगा इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे तो देखो एल की कट ऑफ अभी नहीं आई है बट हो सकता है शाम तक आ जाए क्योंकि जो फर्स्ट कट ऑफ थी लगभग लगभग उनकी लास्ट डेट एक तारीख थी तो एक तारीख आज कम्प्लीट हो जाएगा पाँच बजे तक तो आपका हो सकता है जो कट ऑफ है वो साढ़े चार या फिर पाँच बजे के आसपास आ सकता है तो अगर कट ऑफ आएगी तो मैं अपडेट कर दूंगा आप जान लेते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है हालांकि ये जो स्लाइड है ये मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं बट आप में से बहुत स्टूडेंट नए हैं जिनको नहीं पता है तो मैं फिर से आप सभी को बता देता हूँ कि ये ई काउंसलिंग यहाँ पर आप देख सकते हो डॉट इन की ऑफिशियल कट ऑफ जारी हुई थी चौबीस तारीख को बट मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या कुछ हुआ इन्होंने कटाफ को मतलब फिर से हटा दिया अपने साइड से यहाँ पर आप सभी देख सकते हो ये तो मान लीजिए ओल्ड कटाफ है यहाँ पर इन्होंने रिलीज किया था केवल और केवल अन रिज़र्व वालों का जो कि 200 से ज़्यादा था फिर उन्होंने इसको रिवाइज़ किया ये पहले 22 तारीख को आई थी ओल्ड कट ऑफ फिर इन्होंने रिवाइज़ किया 24 तारीख को एंड यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि एल एल ऑनर्स की इन्होंने ऑफ बताया था दो अनरिजर्व की ओ की एक एंड एल की जो ऑफ बताई थी इन्होंने वो अनरिजर्व की दो एंड एस की सौ कट ऑफ तो आप बोलोगे इसमें ई की नहीं है एंड अगर एल एल ऑनर्स की बात करें तो ई की नहीं है एंड एस की नहीं है एस की नहीं है तो देखो ई की जो रहती है वो वैसे तो ओ के बराबर ही जाती है बट काफ़ी केस में जैसे एल एल के केस में आप लोगों का लगभग बीस उस नंबर ऊपर ही रहता है तो आप ये मान कर चलो कि एक सौ पचास अगर ओ की है तो एक सौ सत्तर फर्स्ट कट ऑफ जाएगी तो ई डब्ल्यू एस की जो कटआफ आपकी लास्ट तक बनने वाली मतलब थर्ड या फिर मतलब सेकंड या फिर मतलब थर्ड राउंड में वो आप सभी की एक सौ चालीस से एक सौ पचास के आसपास आ जाएगी तो एक स्टूडेंट का मैसेज था कि एक सौ चौवन नंबर है मेरा हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा तो आपका डेफ़िनेटली हो जाएगा कोई प्रॉब्लम है नहीं अगर आप ई सर्टिफिकेट लगाए हो तो ठीक है एंड एक और स्टूडेंट का था एक सौ सत्तर नंबर है ई में तो उनका तो भाई बिल्कुल ही हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बस अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखो क्योंकि आप देख रहे हो जितने भी काउंसलिंग हो रहे हैं उनमें टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी एंड डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे शाम तक आज शाम तक आप सभी के कट ऑफ आ सकते हैं ये मतलब कन्फर्म नहीं है आ ही जाएंगे बट आ सकते हैं ठीक है तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी नेक्स्ट वो जरूर देखना हॉस्टल के बारे में संपूर्ण जानकारी है थोड़ी लंबी वीडियो होगी 10 से 12 मिनट की तो अच्छे से देखना चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर जय हिंद